अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं इज़ी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं DHSAT कराची की करंट मार्केट रेट्स के हवाले से। आज की इस वीडियो में तमाम सेक्टर्स के रेट्स बताए जाएंगे जो कि थोड़े बेहतर हुए हैं और बेहतरी की सूरत हाल अब DHSAT कराची में देखी भी जा रही है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन अब मार्केट से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, अगर DHSAT कराची में प्राइसेस की बात करी जाए तो सबसे पहले DHSAT कराची में DHA वैली से शिफ्ट होने वाले प्लॉट्स की बात करी जाएगी, जो इस्लामाबाद से DHSAT कराची में शिफ्ट हुए हैं। उनमें 125 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट की जो प्राइस है वो अभी फाइल की प्राइस 30 लाख से लेकर के 33 लाख तक चल रही है, और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट भी मिल सकता है। साथ ही आपको बताता चलूं कि सेम DHA वैली वाले प्लॉट्स के अंदर 200 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स की कीमत है वो 45 लाख से लेकर के 48 लाख तक अभी चल रही है, और इस प्राइस रेंज के अंदर इसकी फाइल्स मौजूद हैं। साथ ही आपको बताता चलें कि सेक्टर 2, जिसको एक बेहतरीन लोकेशन भी हासिल है DHSAT कराची में, यानी कि DHSAT कराची की दो मेन शाहराहों के बीच में ये वाक़ है, और सेक्टर 2 में सेक्टर 2A, 2B और 2C में हमें 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिल जाते हैं, जहां सेक्टर 2A और 2B में 85 लाख से लेकर के 1.8 करोड़ तक की प्राइस रेंज चल रही है। साथ ही आपको बताता चलूं कि सेक्टर 2C में 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 80 लाख से लेकर के 1.10 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है। सेक्टर 2D में जहाँ 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मौजूद हैं, वहाँ 1.10 करोड़ से लेकर के 1.60 करोड़ तक की प्राइस रेंज में प्लॉट्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सेक्टर 3, जो DHSAT कराची का सबसे आवाज सेक्टर है, सबसे बेहतरीन सेक्टर कहा जा सकता है इसे, वहाँ पर सेक्टर 3A और 3B में हमें 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिलते हैं, और सेक्टर 3B में ही हमें 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट भी मिलते हैं। 3A में 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 1.30 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाएगा, और सेक्टर 3B में 500 गज का प्लॉट 1.20 करोड़ से लेकर के 1.70 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है, और सेक्टर 3B में 200 गज के प्लॉट की रकम अभी 80 लाख से लेकर के 90 लाख तक चल रही है। सेक्टर 4, जो DHSAT कराची में एक अच्छी लोकेशन का मालिक है, वो सेक्टर 1 के साथ लगा हुआ है, यानी कि हमें इंटरचेंज वाले रोड पर सेक्टर 4 सेक्टर 2 के सामने की लोकेशन पे मिल जाता है, और सेक्टर 4A, 4B और 4C में हमें 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिल जाते हैं। 4A और 4B में 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 80 लाख से लेकर के 87 लाख तक की प्राइस रेंज में चल रहा है, और सेक्टर 4C में 300 गज का प्लॉट 82 लाख से लेकर के 88 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। 4E में हमें 200 गज के प्लॉट मिलते हैं, यानी कि 4E में हमें 47 लाख से लेकर के 56 लाख तक की प्राइस रेंज में 200 गज के प्लॉट भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे सेक्टर 4D में हमें 500 और 1000 गज के बड़े प्लॉट मिल जाते हैं, जहां पर प्राइस रेंज 500 गज के प्लॉट की 98 लाख से लेकर के 1.20 करोड़ और 1000 गज की 2.30 करोड़ से लेकर के 2.40 करोड़ तक चल रही है। सेक्टर 5, जो सेक्टर 2 के साथ जुड़ा हुआ है, सेक्टर 2 के साथ जुड़े होने का मतलब ये है कि ये भी एक अच्छी लोकेशन का मालिक है। सेक्टर 5A, B और C में हमें 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, और यहाँ पर जो प्लॉट की कीमत है वो 5A और 5B में 1.10 करोड़ से लेकर के 1.40 करोड़ तक चल रही है। सेक्टर 5C में 500 गज का प्लॉट 1.10 करोड़ से लेकर के 1.45 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है। इसी तरीके सेक्टर 5D में अगर देखा जाए तो वहाँ भी हमें 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं, और वहाँ पर 2.30 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ तक की प्राइस रेंज चल रही है। इसके बाद अगर हम सबसे बड़े सेक्टर की तरफ आएँ, DHSAT कराची का जो सबसे ग्रैंड सेक्टर समझा जाता है, सेक्टर 6, जो सेक्टर 3 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि सेक्टर 3 के बाद अगर आबादी बढ़ती हुई उस सीक्वेंस में चलती है तो उसके बाद सेक्टर 6 का नंबर आता है, और सेक्टर 6 के अंदर अगर हम देखें तो सेक्टर 6A, B और C में हमें 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, और सेक्टर 6A में हमें 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ से लेकर के 1.25 करोड़, सेक्टर 6B में 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ से लेकर के 1.20 करोड़, और इसी तरीके से सेक्टर 6C में 500 गज का प्लॉट 99 लाख से लेकर के 1.10 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है। सेक्टर 6D, जहाँ पर छोटे प्लॉट्स मौजूद हैं, यानी कि 200 और 300 गज के प्लॉट्स की कटिंग मौजूद है, वहाँ पर 200 गज का प्लॉट 63 लाख से लेकर के 68 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है, और सेक्टर 6D में 300 गज का प्लॉट 73 लाख से लेकर के 80 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम सेक्टर 7 की तरफ देखें तो सेक्टर 7 में हमें 500 और 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं, सेक्टर 7A और 7B में 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ से लेकर के 1.28 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है, और सेक्टर 7D में हमें 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ से लेकर गए 1.35 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। सिमिलरली सेक्टर 7C में हमें 1000 गज का प्लॉट मिलता है, जहाँ पर 2 करोड़ से लेकर के 2.65 करोड़ तक की प्राइस रेंज चल रही है।
इसके बाद अगर सेक्टर 8 की तरफ देखा जाए तो सेक्टर 8A में 1000 गज के प्लॉट मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम सब सेक्टर्स के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की कटिंग मौजूद है। सेक्टर 8A में 1000 गज का प्लॉट 2 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ 45 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है, और सेक्टर 8C और 8D में 500 गज का प्लॉट 97 लाख से लेकर के 1 करोड़ 12 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे चलें और डीजे सिटी कराची के पीछे की सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 6 के बाद सेक्टर 9 का नंबर है सेम लोकेशन में, यानी कि अगर हम गेट से चलते हैं तो पहले सेक्टर 3, उसके बाद सेक्टर 6 और फिर सेक्टर 9 मिलता है। और सेक्टर 9 में हमें 9A और 9B में 500 गज के प्लॉट 1 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ 14 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। और सेक्टर 9C में 200 गज के और 300 गज के प्लॉट मौजूद हैं, जहाँ 200 गज की प्राइस रेंज 56 लाख से लेकर के 62 लाख, और 9C में ही 300 गज प्लॉट की प्राइस रेंज 70 लाख से लेकर के 77 लाख तक की चल रही है। इसी तरीके से सेक्टर 9D की बात करी जाए तो सेक्टर 9D में 500 गज के प्लॉट मौजूद हैं, जहां 1 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ 8 लाख तक की प्राइस रेंज में एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। इसके बाद अगर सेक्टर 10 की बात करी जाए तो 10A, 10B, 10C और 10D में हमें 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, जहां 10A और 10B में 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 2 लाख तक की प्राइस रेंज चल रही है, और 10C और 10D में 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 5 लाख तक की प्राइस रेंज में 500 गज का प्लॉट मिल जाएगा। सेक्टर 10E में अगर हम देखें तो 10E में 1000 गज के प्लॉट मौजूद हैं, जहाँ 1 करोड़ 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ 80 लाख तक की प्राइस रेंज चल रही है। इसके बाद अगर हम और मज़ीद पीछे की तरफ आएँ तो सेक्टर 11 का नंबर आता है, और 11A, B, C और D में हमें 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, साथ ही 11A और 11B में 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 4 लाख तक की प्राइस रेंज में हमें 500 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। इसी प्राइस रेंज में, यानी कि 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 4 लाख तक की प्राइस रेंज में 11C में भी 500 गज का प्लॉट मिल जाएगा। इसी तरीके से हम सेक्टर 11D की तरफ देखें तो वहाँ पर 500 गज का प्लॉट थोड़ा सस्ता मिल जाता है बाकी सब सेक्टर्स के मुकाबले में, यानी कि 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 2 लाख तक की प्राइस रेंज में वहाँ एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। और सेक्टर 11D में भी 1000 गज के प्लॉट मौजूद हैं, जहां 2 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ 40 लाख तक की प्राइस रेंज चल रही है। और 11E में हमें 200 और 300 गज के प्लॉट मिलते हैं, जहां पर 200 गज का प्लॉट 50 लाख से लेकर के 55 लाख और 300 गज का प्लॉट 60 लाख से लेकर के 66 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है। मज़ीद आगे बात करी जाए तो 12A, 12B और 12C और 12D की बात की जाएगी, जहां 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं, जहां पर 1 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ 12 लाख तक की प्राइस रेंज में 12A और 12B में 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, और 12C और 12D में हमें 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 4 लाख तक की प्राइस रेंज मिल जाती है। सेक्टर 13 के हवाले से बात करी जाए तो सेक्टर 13 के अंदर 300 गज के प्लॉट और 200 और 500 गज के प्लॉट मौजूद हैं, जहां 200 गज का प्लॉट सेक्टर 13A, B और C में हमें मिल जाते हैं, जहाँ पर सेक्टर 13A में 50 लाख से लेकर के 63 लाख तक की प्राइस रेंज चल रही है। सेक्टर 13B में 200 गज के प्लॉट की प्राइस रेंज 52 लाख से लेकर के 65 लाख, 13C में भी सेम प्राइस रेंज चल रही है, यानी कि 200 गज की प्लॉट की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर 52 लाख से लेकर के 65 लाख तक के प्राइस रेंज में एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर 13D और E में अगर देखा जाए तो 13D और E में हमें 500 गज के प्लॉट मिल जाते हैं, जहाँ पर 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की प्राइस रेंज में एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। साथ ही बात करी जाए 13F की तो 13F में 300 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं, और यहाँ पर 57 लाख से लेकर के 63 लाख तक की प्राइस रेंज चल रही है। मज़ीद आगे चलते हुए आपको बताता चलूँगा कि सेक्टर 14 के अंदर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहा है इजी टाउन हाउसेस की वजह से, और टाउन हाउसेस की वजह से जो DHA सिटी कराची ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोजेक्ट प्राइवेट बिल्डर्स के थ्रू बनाना वहाँ पर शुरू किया है, और 300 के करीब टाउन हाउसेस प्राइवेट बिल्डर्स को कहा है कि वो वहाँ पर आएँ और अपनी खदमात अंजाम दें। यहीं पर DHA सिटी कराची के सेक्टर 14 में इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी इजी टाउन हाउसेस बनाने जा रहे हैं, जो 125 गज के स्क्वायर यार्ड के ऊपर मुश्तमिल हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि सेक्टर 14A और B में हमें 125 गज के प्लॉट मिल जाते हैं, जहां पर 40 लाख से लेकर के 48 लाख तक की प्राइस रेंज में 125 गज का प्लॉट सेक्टर 14A में, और सेक्टर 14B में 42 लाख से लेकर के 55 लाख तक की प्राइस रेंज में 125 गज का प्लॉट मिल जाता है, और 125 गज का प्लॉट 14D में भी मौजूद है, जहाँ 37 लाख से लेकर के 41 लाख तक की प्राइस रेंज में प्लॉट मिल जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि सेक्टर 14B में 300 गज के प्लॉट भी मौजूद हैं, जहां 75 लाख से लेकर के 92 लाख तक की प्राइस रेंज चल रही है, और 14C में 500 गज के प्लॉट मौजूद हैं, जहां 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 12 लाख तक की प्राइस रेंज चल रही है। सेक्टर 14 के हवाले से मुनफरद ये है कि सेक्टर 14 इस वक्त DHA सिटी कराची का वो वाहि सेक्टर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 125 गज के प्लॉट हमें मिल जाते हैं। सेक्टर 14 के अलावा कहीं पर भी हमें 125 गज के प्लॉट नहीं मिलते। इसके आगे आपको बताते चलें कि सेक्टर 15 में
हमें 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं, जहाँ 15A, B और C में 500 गज के प्लॉट मौजूद हैं, जहाँ पर प्राइस रेंज 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की चल रही है, और 15D में 1000 गज का प्लॉट 1.90 करोड़ से लेकर के 2.10 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाएगा, और 16A में भी 1000 गज का प्लॉट सेम प्राइस रेंज में यानी कि 1.90 करोड़ से लेकर के 2.10 करोड़, और 16B में 500 गज का प्लॉट 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है। 16D में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी 1000 गज के प्लॉट मौजूद हैं, जहाँ 1.90 करोड़ से लेकर के 2.15 करोड़ तक की प्राइस रेंज में प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर 15 और 16 के हवाले से ही बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये टीजे सिटी कराची के पीछे के सेक्टर्स हैं, और यहाँ पर इनको खूबसूरती भी हासिल है, यानी कि थोड़े से हिल एरिया के ऊपर यहाँ पर प्लॉट्स मौजूद हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि डीएचए सिटी कराची सेक्टर 15 और 16 के नज़दीक ही गोल्फ कोर्स भी बनाएगा, जो प्लानिंग का हिस्सा भी है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सेक्टर 17 में इस वक्त फाइल्स मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसकी लोकेशन अभी तक क्लियर नहीं की गई, और यहाँ पर 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की जो फाइल है वो 75 लाख से लेकर के 80 लाख तक की प्राइस रेंज में चल रही है। आज के लिए इतनी, अपने होस्ट हम अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।